सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं। ये पार्ट थर्ड जो स्टार्ट है वो लैंड रिसोर्स से स्टार्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वे। दस द लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर रहने को आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित हैं। हाउएवर, लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंस टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो फ्रॉम सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेटू रीजन। देश के लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है। इट पोसेस रिच रिवर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म, ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, फिगर दिया गया है। फिगर में जो येलो पार्ट है वो 27% है, तो प्लेटू है। पर्पल पार्ट है 43%, प्लेन्स है। और जो मैरून कलर का पार्ट है माउंटेन्स है, वो 30% है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। वन, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। ए, बैरन वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, ई.जी. बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स इंक्लूडिंग फेलो लैंड्स। ए, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। बी, लैंड अंडर मिसिलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, नॉट इंक्लूड इन नेट शोन एरिया। सी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लेफ्ट कल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। फोर, फेलो लैंड्स, करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। बी, अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। फिफ्थ, नेट शोन एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लैंड यूटिलाइजेशन, भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन, दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, दूसरे का अ है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ब है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे
इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अ है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। ब विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। स कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। फोर्थ है परती भूमि फेलो लैंड्स। अ वर्तमान परती जहाँ 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। ब वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। नेक्स्ट होने एरिया शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। 1 कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ा जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में भू उपयोग प्रारूप। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ईटीसी। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हावेवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एस्पेक्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मोरेवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वाइव्ड। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। एक्टिविटीज़ ट्राई टू डू ए कंपेरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट वाई द नेट शोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज फ्रॉम 1960-61 टू 2008-09 वेरी मार्जिनली। भू उपयोग के दो वृत्त चित्रों 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960-61 और 2002-03 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। एंड फिगर दिया हुआ है डायग्राम। सोर्सेज है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2008-09। फर्स्ट बाई डायग्राम है, फर्स्ट चार्ट है, उसमें ब्लू कलर से दर्शाया गया है फॉरेस्ट 18.11%। येलो से दर्शाया गया है बेरेन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड 12.01%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस 4.95%। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 4.71%। एरिया अंडर मस्क ट्री क्रॉप एंड ग्रोव्स ये दर्शाया गया है 1.50%। एंड अदर में है कल्चरेबल वेस्टलैंड 6.23%,
फेलो अदर द करंट फेलो 3.50%, करंट फेलो 3.73%, और नेट शोन एरिया 45.26%। एक डायग्राम और दिया गया है साथ ही, इसमें भी दर्शाया गया है जो फॉरेस्ट है वो 22.78% है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है 8.61%, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज 5.57%, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 3.38%, एरिया अंडर मेस कैटरी क्रॉप्स एंड ग्रोस 1.11%, कल्चरेबल वेस्ट लैंड 4.17%, फेलो अदर देन करंट फेलो 3.37%, करंट फेलो 4.76%, नेट शोन एरिया 46.24%। The land under permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our hog capital population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. भारत में भू उपयोग के प्रारूप में स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। हेंस दिस लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस ए अबाउट 2 or 3 years, and if they are included in the net shown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. अतः इस भूमि के 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरियज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। इट इज अवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र पर बोया जाता है। फाइंड आउट रीजंस फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट शोन एरिया इन दिस स्टेट्स। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। It was considered essential for maintenance of the ecological balance. हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। The livelihood of millions of people who live on the fringes of this forest depends upon it.
जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। ए पार्ट ऑफ लैंड इज द टर्म एज वेस्ट एंड लैंड एंड द लैंड पुट टू अनदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर ही निर्भर करती है। वेस्ट लैंड एंड इंक्लूड्स रॉकी एंड द डेजर्ट एरिया आर द लैंड पुट द अनदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स रोड रेलवेज इंडस्ट्री ETC। कंटिन्यूस यूजेस ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टाकिंग एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशंस। भू उपयोग का एक बार भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियों सड़कें रेल लाइन उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिप्रकशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। 95% ऑफ आवर बेसिस नीड्स फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। Human activities have not only brought about degradation of land, but have also aggravated and pace of natural forces to cause damage to land. भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग करती रहेगी। हम भोजन मकान कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुँचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन hectares of degraded land in India. Approximately 28% of the belongs to the category of forest degraded area. 56% of it is water eroded area and the rest is affected by saline and alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% से जल अपरदित हैं। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन अति पशुचारण खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। एक डायग्राम दिया गया है इंडिया वेस्टलैंड्स इन 2000। वाटर इरोडेड एरिया 56%, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एरिया 28%, सेलाइन एल्केलाइन लैंड 6%, विंड इरोडेड एरिया 10%। Mining selenite and abronte dead after excavation work incomplete, leaving deep scars and traces of overburdening. In
स्टेट एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सर्वल लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. और ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और इरीगेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडेड टू इंक्रीजिंग इन सेलिनिटी एंड एल्केलिनिटी इन द सॉयल. द मिनरल प्रोसेसिंग द लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड द कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्रीज जनरेट हाई क्वांटिटी ऑफ द डस्ट इन द एटमोसफियर. खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और लंबे मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है. खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है. अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है और खनिज क्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़िया सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल धूल विसर्जित होती है. जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस इन फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन टू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है. देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं. एफोरेस्टेशन और द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट प्लानिंग एंड शेल्टर बींस ऑफ प्लांट्स कंट्रोल ऑन और ग्रेजिंग स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेज आर सम ऑफ द मेथड ऑफ चेक एंड डिग्रेडेशन प्रॉपर मैनेजमेंट वेस्टलैंड. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज प्रॉपर द डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज. भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं. वनों पर रोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं. पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को काटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है. बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है. सॉयल एज ए रिसोर्स. सॉयल एज ए रिसोर्स पार्ट 4 से हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में.